समय हम न्यूज क्लिक की तरफ से खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जिसका नाम एक महिला किसान के नाम पर रखा गया है। इस नए गांव को बसाया जा रहा है। उग्रांदा जो समूह है किसान आंदोलन का, उसका यहां पर मंच लगा हुआ है। इस इलाके को पकौड़ा चौक कहते हैं। यह रोहतक बाईपास रोड पर है। हम बात करना चाह रहे हैं उन महिलाओं से जो यहां पर डटी हुई हैं पिछले 22-23 दिन से। आइए जानते हैं कि वो कहां से आई हैं, अपने बच्चों के साथ यहां पर हैं। वे मंच के पास बैठी थी, हम उन्हें यहां पर बातचीत करने के लिए लाए हैं। यूनियन जो है उग्रांदा, आप कब से जानते हैं इसको? हम इसको 7 साल हो गए अग्राहा जथेबंदी नाल साडा लिंक जुड़े नू। ऐसे करके असी इस जथेबंदी जाके बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखना अगे साढ़े लिए बाकी है। तो हुण दिल्ली सानू इस करके आना पिया कि मोदी सरकार ने साडियां जड़ां च दाती पा ली, क्योंकि असी आपदी जड़ां च दाती कढ़ाउण वास्ते आपदा पंजाब छड्ड के इस दिल्ली च इस मोदी सरकार नू मूँह तोड़ जवाब देण आया। क्योंकि मोदी सरकार साडी खेती हाड़ी सौनी आलू मटर प्याज जिनी भी असं अनाज आपके खेत च पैदा करते हैं तो सानू कोई पूरा मुल नहीं मिलता। आपके घर में क्या खेती होती है? हुण हाड़ी सौनी, पहला असी खेती करते थे मिर्चा आलू मटर, क्योंकि सरकार का बेड़ा बैठ गया। मैं एक किसान की धी हाँ, एक किसान की पत्नी हाँ। मैं खुद दिहाड़ना के नाल मजदूरों के नाल आपके खेत च कम करया। 10 किले आलू असी ने लाए क्योंकि सानू पूरा मुल ना मिले आलू का। असी ने पिपली जाके आपदिया ट्रालियां ढेरी करके आया आलूआ दियाँ, क्योंकि साडा आलू 2 रुपये किलो भी नहीं बिकया। आपने आलू आलू जो बेचा वो 2 रुपये किलो मिल रहा था? 2 रुपये किलो बेचा नहीं, सीटिया पिपली शहर दे विच जाके आपने फेंक दिया वहां पर। फेंका बेचा भी नहीं, फेंका कहांगे 2 रुपये किलो का। इस करके हुण जेड़ा प्याज ते आलू सिखरां ते पहुंचा होया है, जब किसी किसान दे खेत च हुंदा है तां सानू पूरा मुल क्यों नहीं मिलदा। अच्छा एक बार बताइए कि आपने कहा कि आप इस जत्थेबंदी के साथ जुड़ी उग्रहा के साथ, क्या सीखा और क्यों जुड़ी? क्या पूरा का पूरा गांव इसी के साथ है? सीखा इसलिए क्योंकि साड़ी किसानी है जड़ी साडा किसी भी वर्ग का नुकसान होंदा है। साड़ी इस जथेबंदी का पूरी पूरी सपोर्ट है, पूरा पूरा सहारा है। तो असं हक सच दे लड़न वाले हाँ। अते कहने होंदे ने साडा सिर जावे तां जावे, साडा सिखी सिदक ना जावे, पर जिहड़ी साडी खेती है असं यह नहीं जान देवांगे। जिहड़ी साडी खेती है साडी होंद है, साडी जथेबंदी नाल बचूगी, नहीं साडी खेती नहीं बचूगी। तो ये बताइए कि मोदी सरकार अभी तक यही बोल रहे हैं कि किसान को समझ नहीं आ रहा है, हम ये उसके फायदे के लिए लाए हैं। आप एक औरत हैं, एक किसान है, औरत किसान है, महिला किसान है, आपको क्या मुश्किल है इससे? मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की पत्नी हूँ। अगर असी खेती करते हैं कि एक किन्ना लोगों को समझाने की गल करता जेड़े सदियों तो इस खेती नाल जुड़े हुए ने, ये वो लोग ने जिन्हों ये नहीं पता कि कही का टक किमें बजद, कणक का बी कि पैदा है, झोना पैदा किमें हों, नरमा पैदा किमें हों, सू समझा लगे ने। असी कहने कि असं समझ चुके हैं, ये कानून साढ़े फायदे दे नहीं, ये कानून कारपोरेट घराने लैके आए हैं। इन्होंने कानूनों ने अवानिया अडानियों फायदा करना है, ये कानून साढ़े फायदे दे नहीं, नहीं चाहिए सानू ये कानून। अच्छा ये बताइए कि आप इस यूनियन से जुड़ी हैं, जत्थेदारी से जुड़ी हुई हैं, इससे कब से जुड़ी हैं, क्या फायदा रहा? देखो जथेबंदी चोणा जथेबंदी च आके बहुत कुछ सीखना, ये अनसर की लोड़ है। जिहो जिहा राह सरकार ने पहनाया होया है, असी इस राह ते आए हैं कि इको एक राह संघर्षां दा राह, इस संघर्ष तो बिना साडा सरना नहीं हैगा। अज जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने ये आपदी होंद नूं बचाउण लई बैठे ने, इस करके कि सरकारां साडे ते राज करदियां ने। राज उह डंडे दे जोर गोली दे जोर ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं और वो लोग कहाँ हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा आईलेट्स कर रहा है सरदूलगढ़ सरसे कोल।
घरे मेरे कल्ले पति ने, पशु भी है, जमीन भी है। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 2 एकड़ है। इस करके कि अज जिहड़ी किसानी वह बिल्कुल मर चुकी है। जिहड़े यह कानून ने असीं उन्हां कम्मां नूं समझदे आ कि जे साडी खेती रहूगी तां साडे कम्म रहणगे, जे साडी जमीन ना रही साडे कम्म नहीं रहणे, असीं भी उस खेती नाल जुड़ियां होईआं। जे साडे मर्द खेतां च कम्म करदे ने, असीं घरे कम्म करदियां हैगियां। इस करके अज इस समझ नूं लै के बच्चा बच्चा मैदान च उतरिया होया। तभी घर कौन संभाल रहा है आप यहां पर? घर मेरे पति संभाल रहे हैं और बहने हैं वो संभालती है नाल। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है झंडा हाथ में उठाए, तब उसके साथ उसका पूरा परिवार निकलता है। और यहाँ पर भी टीकरी बॉर्डर में हमें तमाम बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो यहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, माँ के साथ कदम मिलाकर तीनों कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ और समझदारी को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या सबसे अच्छा लगता है? हमें सबसे यहाँ पर अच्छा धरने में आना, उनके विचार सुनना, जो वो कहते हैं हम उसे समझते हैं। अपने जो जिनको नहीं पता लगता, जो अनपढ़ है, उन्हें समझाते हैं कि हमें ऐसे इस लहर के साथ जुड़ना चाहिए। हम सभी को समझाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। क्लास के कुछ और दोस्त आए हैं क्या? नहीं, क्लास से कोई नहीं आया। खाली तुम आए अकेले? जी, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें नहीं पता इतना अभी इसके बारे में। हम उन्हें बताते हैं, वो कहते हैं कि हम ज़रूर आएंगे। कितने लोगों को बताया अभी तक, ये क्या चल रहा है? सभी को ही बता देते हैं जो हमें मिल जाते हैं, गांव में भी, यहां पर भी, सभी को बता देती हैं कि हमें इस लहर के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने से क्या होगा? जुड़ने से जो ये मोदी सरकार ने, हमें हमारा हक मिलेगा। जो ये 3 काले कानून दिए हैं उन्होंने खेती के खिलाफ, उसे हम रद्द करवाएंगे। हम उसे रद्द ही करवा कर छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। बहुत मुश्किल होती होगी यहाँ, इतनी ठंड है, खुले में हो, वहाँ तो घर में आराम से रहते होगे? घर में तो आराम से रहते, अगर हमारे पास खेती नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या? मुश्किलें झेलेंगे हम? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे। यहीं पे रहोगे? जी। तो खाने पीने में भी तो मुश्किल होती होगी यहाँ पर? कुछ भी नहीं, बहुत बहुत कुछ मिलता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है खाने पीने की। तो पूरे समय सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है तुम्हारा? सुबह से शाम के लिए हम पहले तो उठ जाते हैं, फिर नहाकर रोटी खाकर यहाँ पर आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर से वही रूटीन हो जाता है। स्टडी कर लेते हैं रात को अगर टाइम मिलता है, क्लासेस ज्वाइन करते हैं जो है। क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हो? क्लासेस हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाद में सुन लेते हैं। टीचर जो होमवर्क देती है हम उसे कंप्लीट कर उन्हें सेंड कर देते हैं। ये सीखा कि जब कोई काले कानून लेके आता है उसे रद्द करवाने चाहिए, अगर हमारे फायदे के लिए हैं तो अगर वो हमारा भला करते हैं तो मत करो, अगर वो हमारे फायदे के लिए नहीं है तो फिर हम रद्द करवा के ही छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ सबसे प्यारा नारा क्या लगता है? इनकलाब जिंदाबाद। वहाँ पर भी रैली में जाते थे? जी, हम जाते होते हैं वहाँ पर भी, जो ये कारपोरेट घराने हैं वहाँ पर भी हम जाते होते हैं, हमारे नज़दीक ही है बेस्ट प्राइस, वहाँ पर हम रोज़ जाते हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं, इस रैली में आते हैं, तब भी हम नारे लगाते ही आते हैं और बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं पीछे। कॉरपोरेट घराने के क्या नाम सुने? कॉरपोरेट घराने जैसे कि बेस्ट प्राइस, ये मॉल हो गए बड़े बड़े, पेट्रोल जो अडानी अंबानी चलाते हैं, इस वो सब हमने सुना है। पहली बार आए आप दिल्ली? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लगा दिल्ली आपको? दिल्ली का तो मंदा ही माहौल है जी। मंदा माहौल है? हाँ जी। कोई सुन नहीं रहा? हाँ बिल्कुल, कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा किसानों के बारे। जो समझ ले मोदी ने कानून लिया दिए किसानों ते, वो बिल्कुल खिलाफ है, ते वो साढ़े बच्चों के लिए बिल्कुल खिलाफ हैं। तो जेडे समझ ले खर्चे बधाए हैं इनू, जो बिजली बोर्ड प्राइवेट करी हैं, तो स्कूल प्राइवेट करी हैं, ये अस साढ़े छोटे किसानों के लिए हानिकार है। हम सरकारी स्कूल बढ़ते हैं, सरकारी ग्रेड बढ़ते हैं, हर एक चीज़ हर सरकारी बढ़ते हैं, असी खर्चे उठ नहीं सकते जितने मोदी साहब ने कट देने। ये बिल जो
किसान ते कानून लियांदे ने गलत लियांदे ने इनू इना कला एक किसान नहीं था, किसान हर एक पब्लिक का पेट भरने वाला थी, कमाई करने वाला थी। अगर ये साढ़े माफक नहीं है कानून जो मोदी साहब ने लियांदे हैं। आपको क्या लगता है मोदी सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी? मोदी सरकार क्या दानी वानी के पंजा चे चढ़ी हुई है? चढ़ी हुई है जी सर, वो दे दानी मानी के पंजा चे बिकी हुई है। गवर्नमेंट सरकार मोदी सरकार बिकी हुई है जी, बिल्कुल एक किसान ना की सुन नहीं रही है, बिल्कुल ठीक है। न्यूज़ क्लिक की तरफ से जो बातचीत हमने की उसमें बहुत साफ है इन तमाम महिलाओं का कहना कि ये महिलाएं सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए नहीं आई हैं, ये तमाम देश में जो आंदोलन चल रहा है, देश को बचाने का जो आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है इन तीन बिलों को वापस लेने का मामला। ये जो कानून बनाए हैं इससे तमाम लोग प्रभावित होंगे। तमाम महिलाएँ यहाँ पर यह भी बात कर रही हैं कि किस तरह से सारे अधिकार उनसे ले लिए गए, शिक्षा का अधिकार उनसे ले लिया गया, नोटबंदी की बात कर रही हैं और ऐसा लगता है कि पंजाब की ये जो औरतें हैं ये पूरे हिंदुस्तान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत अहम भूमिका अदा करने जा रही हैं। और साथ ही साथ ये सब एक बात को दोहरा रही हैं कि उन्हें पता है कि मोदी सरकार बहुत अड़ियल है, वो बहुत आसानी से नहीं सुनती है, इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ आई हैं तमाम और साथियों के साथ। एक महीना, दो महीना, छः महीने तक रहने की बात खुले आसमान के नीचे ये कर रही हैं और साथ ही साथ यह भी दोहरा रही हैं कि यहाँ हरियाणा के जो लोग हैं वह भी उनकी मदद कर रहे हैं। तमाम महिलाओं के लिए इस तरह से दिल्ली के बॉर्डर में खुले आसमान के नीचे सोना, रहना उनके जीवन का पहला अनुभव है। Thank you.